फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं रमा कौशल देखिए आज आपके लिए सॉक्स का डिज़ाइन लेके आई हूँ बिल्कुल नई तरह से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम इसे बनाएंगे तो देखिए ये मैंने पाँच नंबर के लिए बनाया हुआ है तो इसको चार नंबर वाले और पाँच नंबर वाले दोनों पहन सकते हैं अगर आप इसको थोड़ी बड़ी बनाना चाहते हैं तो इसमें चार सिलाइयाँ जो है ज़्यादा बना लीजिए तो इसे छः नंबर वाले और सात नंबर वाले भी पहन सकें देखिए बनाने के बाद ये थोड़ी सी खींच भी जाती है इस तरह से तो इसे जो है एक नंबर ज़्यादा वाला पहन सकता है ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने किस तरह से इसे बनाया है तो ये देखिए मैंने इसमें दो कलर लगाए हैं एक मेरा महरून है और दूसरा क्रीम कलर है ठीक है और ये जो ये सॉक्स की बूल है और ये देखिए ये वर्धमान सॉक्स यान ये वाली बोल जो है मैंने इसमें ली हुई है इसका जो नेट वेट है एक गोले का वो सौ ग्राम का है ठीक है और मैंने इसकी मैं जो सिलाई लगाई है वो अपने ग्यारह नंबर की लगाई है तो मेरा और देखिए फ्रेंड्स बाकी आपके हाथ पे भी डिपेंड होता है मेरा हाथ ठीक है इसलिए मैंने ग्यारह नंबर की लगाई है अगर आपका हाथ टाइट है तो आप इसमें दस नंबर की सिलाई लगाइएगा ठीक है तो चलिए चली से स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने धागा लेना है अपना ट्रिपल फोल्ड इस धागे को हमने कर लेना है और इसमें मैं मोती कुंडे डालूंगी और फोर्टी सेवन स्टिचे डालूंगी ठीक है सैतालीस कुंडे और ये ट्रिपल फोल्ड हो गया ठीक है अब देखिए मैं यहाँ पर एक सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले ये जो धागा है इसके अंदर से हमने इस तरह से इसको डालना है है ठीक और अपने 47 स्टिचेस डालने हैं तो मैं इसमें मोती कुंडे डाल रही हूँ तो मोती कुंडे डालने के लिए मुझे हाफ स्टिचेस चाहिए ठीक है तो हाफ स्टिचेस मेरे आते हैं तो हाफ स्टिचेस देखिए मेरे ट्वेंटी थ्री आते हैं ठीक है तो मैंने आपको बताया कि पहले मैंने ऐसी घट चढ़ाना है तो इसको भी गिनना है और उसके बाद मुझे ट्वेंटी थ्री स्टिचे जो है वो डालने हैं तो ये इस तरह से तो यहाँ पर मेरे ट्वेंटी थ्री स्टिचे जो है मैंने डाल दिए ठीक है ठीके? अब आएंगे हम इसके नेक्स्ट सिलाई पर जो हमारी पूरी उल्टी बनेगी ठीक है तो इस सिलाई को मैं पूरी उल्टी बनाते हुए जाऊंगी ये देखिए ये जो उल्टी सिलाई है मुझे ध्यान से और आराम से निकालनी है क्योंकि ये जो हमारी सिलाई होती है काफी टाइट होती है तो उल्टी सिलाई में अपनी कंप्लीट कर लूंगी तो इसमें मैंने देखिए आपको थोड़ा सा ही बताया है कि किस तरह से हमारे मोती कुंडे डलेंगे अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी आप वहाँ से जाकर मोती कुंडे जो है वो कैसे बनते हैं उसकी वीडियो पूरी देख सकते हैं तो ये सिलाई मैंने उल्टी उल्टी कंप्लीट कर ली कर ली है अब आती हूँ मैं इसकी सीधी साइड पर देखिए ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है ये देखिए इस तरह से ठीक है तो अब मैं यहाँ से इसमें थोड़ा सा बॉर्डर बनाऊंगी तो पहला स्टिच हमने ऐसे ही उतारना है स्टार्टिंग का धागा अपनी तरफ किया एक सी एक उल्टा धागा उस साइड किया एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड किया एक फंदा उल्टा धागा दूसरी साइड किया एक फंदा सीधा तो इसी तरह से देखिए मैं इसे एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए अपना बॉर्डर जो है वो कंप्लीट करूंगी तो ये देखिए मेरी ये सीधी साइड जो है एक सीधा उल्टा हुक करते हुए कंप्लीट हो गई है अब आती हूँ मैं इसकी रॉन्ग साइड पे अब रॉन्ग साइड पे ध्यान दीजिएगा ये देखिए आपको पहला फंदा जो है यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है ठीक है ये आपने इस तरह से निकालना है धागा उस साइड गया ये देखिए ये सिच सी आपको सीधा दिखाई दे रहा है ये आपने सीधा बनाना है धागा अपनी तरफ किया ये देखिए ये उल्टा दिखाई दे रहा है ये उल्टा बनाना है इससे अगला सीधा और फिर उल्टा तो इसी तरह से बनाते हुए मैं जाऊंगी और अपना बॉर्डर जो है वो कंप्लीट करूंगी तो अब देखिए फ्रेंड्स ये मेरी तेरह सिलाइयां बनके तैयार हो गई हैं ठीक है थेके? तो हम इसे इस तरह से भी गिन सकते हैं देखिए यहाँ पे ये जो हमारे साइड में ये जो एजेस आते हैं इनको भी हम काउंट कर सकते हैं ये देखिए यहाँ से ये देखिए ठीक है ये एक दो तीन चार पाँच छ और ये इसके ऊपर सात ठीक है तो जो ये सात मतलब बारह हमारी स्लाइया पूरी हो गई और जो तेरह मेरी तेरवी सिलाई है ये मैं बनाती हुई गई हूं यहां तक अपने सीधे साइड से मैंने तेरहवीं सिलाई कंप्लीट की है ठीक है अब हम आते हैं इसकी उल्टी सिलाई पे तो उल्टी सिलाई से हम इसका धागा चेंज करेंगे यहां से हम इसमें दूसरा धागा लगाएंगे और इसको उल्टा बनाते हुए जाएंगे ठीक है ये देखिए इस तरह से ये पीछे वाला धागा हल्का सा खींच लीजिए ऐसे ताकि आप टाइट हो जाए और ये ऐसे ये जो धागा इसको साथ ले जाइए आप ताकि ये देखिए ये देखिए यहां पर ठीक आ गया अब इसको इस तरह से साथ ले जाइए ताकि आपका यहां पर ये धागा जो अच्छी तरह से अटैच हो जाए है ना तो ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है तो यहाँ से ऊपर देखिए मैं उल्टा ही बनाते इसको जाऊँगी हर सिलाई अपनी उल्टी उल्टी बनाऊंगी ठीक है अब नेक्स्ट सिलाई पर ये पहला स्टिच हमने ऐसे सीधा उतारना है ठीक है धागा अपनी साइड किया और बाकी के स्टिच उल्टे इस तरह से ठीक है तो ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए ये चार है मुझे जो अपने स्किन से बनानी है उल्टी उल्टी उसके बाद एक सिलाई जो है अपनी दो स्लाइया ठीक है ये चार स्लाइया आ गई हमारी ये हमारी दो सिलाई आएगी ये हमने अपने मैरून से बनानी है उसके बाद फिर इसी तरह रिपीट करनी है ठीक है तो ये एक दो तीन तीन बार मुझे इस तरह से ये अपना धागा जो है वो रिपीट करना है ठीक है ये देखिए इस तरह से तो मैं यहां तक बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए इतना मैंने बना लिया है ये एक दो तीन तीन बार जो है अपना ये स्किन वाला धागा रिपीट कर दिया है ठीक है ये मेरी सीधी साइड है अब आती हूँ मैं इसकी रॉन्ग साइड पे ये देखिए अब रॉन्ग साइड पे ध्यान से देखिए मैंने यहां पर क्या करना है यहां पर मुझे अपना मेहरून धागा लगाना है ठीक है तो ये वाला धागा एक, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और एक ये बारह ठीक है मैं इसको गिल लेती हूँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छ ये मेरे बारह स्टिच हो गए हैं अब मुझे उस साइड नहीं जाना है यहाँ से वापस जाना है ठीक है अब मैं इन्हीं बारह स्टिच को जो है वो बुनूंगी ये देखिए पहला स्टिच आपने ऐसे ही उतारना है और उसके बाद इनको उल्टे बनाते जाना है तो देखिए फ्रेंड्स ये बारह स्टिचों में बार बार रिपीट कर रही हूँ ये मैंने अपनी एडी के लिए रखे हैं बिल्कुल नए तरीके से मैंने आपको एड़ी बतानी बताई है किस तरह से ये बनेगी तो आप इसे ज़रूर बनाइए बहुत आसान है बनाने अब देखिए यहाँ लास्ट में मैं आई हूँ अपना धागा उस साइड और ये लास्ट का स्टिच मैंने सीधा बनाना है ठीक है ये देखिए किस तरह से मेरी ये सफाई आ रही है इस साइड से अब दोबारा मैं यहीं से वापस जाऊंगी और उसके बाद देखिए ये उतारा और इन सब स्टिच को उल्टे बनाऊंगे तो ये फ्रेंड्स मुझे इसी तरह से बनाते हुए जाना है ठीक है इस कलर से अपने मेहरून कलर से जब तक मेरी ये बारह स्लाइया नहीं कंप्लीट हो जाती बारह का मतलब चौबीस सिलाइया ठीक है चौबीस तो देखिए ये मैंने बारह बना के तैयार कर दी है देखिए किस तरह से हुई है ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और एक ये बारह ठीक है बारहवीं जो सिलाई है ये मेरी सीधी आई है अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे और यहाँ से भी देखिए अब रॉन्ग साइड पे देखिए आपने क्या करना है ये दो फंदे लेने हैं इस तरह से और दो का एक फिर इसको वापस किया और यहां पर देखिए दो का एक ठीक है तो मैं इस तरह से इसको बंद कर लूंगी अब देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ तो ये दो का एक ठीक है अब हमारा जो है एक स्टिच यहाँ पर बच गया है अब देखिए आप क्या करेंगे इस तरह से वापस आएंगे सिलाई पीछे और ये जो आपने बारह स्टिच देखी है यहाँ पर ये बारह सिलाइयाँ बनाई हैं आपको ये सारे स्टिच जो है वो उठाने हैं तो किस तरह से उठाएंगे आप ये देखिए एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह देखिए ग्यारह आया और ये एक स्टिच जो मेरा बचा था वो हमने इस तरह से इसमें डाल देना ठीक है ये बारह हो गए अब मैं इसकी रॉन्ग साइड पे आऊंगी अब आप इसको बुनना शुरू कीजिए देखिए ये पहला स्टिच आपने ऐसे उतार दिया अब वो अगला उल्टा आएगा तो ये देखिए ये पीछे से ठीक है हमारी यहां पे सफाई आनी चाहिए इस तरह से ये देखिए अब इसको हम गिन लेते हैं दो चार छ आठ दस और दो बारह अब देखिए हमारा यहाँ पर गैप आ रहा है तो आपने देखिए मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ ये वाला स्टिच ये देखिए ये वाला ये उठाया और इस तरह से सिलाई पे डाल देना है ठीक है और ये दो का यहाँ पर एक कर देना है इस तरह से ठीक है अब ये सिलाई जो है मैं पूरी उल्टी बनाते हुए अपनी कंप्लीट करूंगी तो ये सिलाई देखिए मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है अब आते हैं हम इसकी राइट साइड पे। देखिए इस साइड पे, ठीक है अब देखिए जिस तरह से एडी मैंने यहाँ निकाली है उसी तरह मैं से मैं अब यहाँ पर निकालूंगी पहला फंदा आपने सीधा उतारा धागा अपनी तरफ किया तो ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह धागा उस साइड किया और ये सीधा बारह अब गिन लेते हैं एक दो तीन चार पांच और एक ये छ अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे पहला फंदा इस तरह से उतारा और ये सारे उल्टे बना दिए ठीक है तो इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले बनाया था इसी तरह से मैं यहां पर भी अपनी बारह स्लाइया जो है वो कंप्लीट कर लूंगी तो इधर से भी देखिए मेरी ये बारह सिलाइयाँ जो है कंप्लीट हो गई हैं ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और एक मेरी ये इसके ऊपर बारह ठीक है तो उस साइड से देखिए यहाँ तो मेरी ये जो सिलाइयाँ थी ये वाली ये बारह आई थी तो इस साइड मेरी ये जो है वो ग्यारह आएगी और बारहवीं जो है हमारी इसके ऊपर होगी ठीक है ध्यान से देखिए ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड ये बारहवीं सिलाई यहाँ पर है तो इस साइड से सीधी साइड से हमारी ये ऐसी आएगी ठीक है अब यहां पर भी हम जैसे हमने पहले घटाया था वैसे इसको घटाते हुए जाएंगे तो ये देखिए ये दो का एक फिर अगला बनाया पीछे से ठीक है इसको वापस फिर पीछे से ये ऐसे ठीक है थिके? अब देखिए अब ये हमारी सीधी साइड है ये वाली तो यहां से हमने ऊपर से उठाने हैं अभी ठीक है थिके? तो आप इधर से उठाइए चाहे उधर से उठाइए ये देखिए एक स्टिच आपका ये है एक आपका ये होगा ठीक है दो ये दो हो गए तीन और ये स्टिच हमें एक ही उठाना है ना तो ये देखिए ये तीन ये चार पाँच छ सात आठ नौ ये दस ये ग्यारह और एक ये बारह ये देखिए यहाँ तक ये बारह से छूट गए अब इसको दूसरी स्लाईड में डाल लीजिए ये वाला इस तरह से ठीक है अब देखिए अब दोबारा से यहां पे पहला स्टिच हमने ऐसे ही उतारा ये ऐसे ही उतारना है धागा अपनी तरफ किया और ये सारे उल्टे ठीक है ये भी हमारा बारह स्टेज जो है वो पूरे हो गए यहां पे ये देखिए उल्टा अब देखिए यहाँ हमारा गैप आ गया है अब हमने ये वाला ठीक है ये देखिए इसके साथ वाला ये वाला ये स्टिच चुटाया इस सिलाई में डा डाला और दो का एक ठीक है इसे हमारा यहाँ गैप नहीं आएगा और ये पूरी सिलाई हमने उल्टे बनाते हुए जाना है तो देखिए ये उल्टी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे और ये लास्ट का फंदा हमारा सीधा ठीक है अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे और यहां पर मुझे अपना कलर भी चेंज करना है तो मेरा धागा देखिए यहां पर रह गया है ये तो मैं इसको यहां से तोड़ यहां से तोड़ने के बाद देखिए मैं धागा को दोबारा यहां लगाऊंगी यह देखिए ऐसे और इसको इस तरह से ये देखिए आपके इसके साथ ही ये धागा जो है एडजस्ट हो जाएगा ये पीछे किया इसको ऐसे और इसको ऐसे तो इसी तरह से ये पूरी सिलाई जो है मैं उल्टी उल्टी बना लूंगी तो देखिए ये सिलाई भी मेरी कंप्लीट हो गई है अब आते हैं हम इसके राइट साइड पे ये देखिए इस तरह से आपके ये बनके आ जाएगा अब यहाँ से ऊपर आप इसे ये देखिए मेरा यहाँ तक बन गया है ये यहाँ तक अब यहाँ से ऊपर एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ ठीक है इस तरह से मुझे ये आठ बार दोबारा रिपीट करना है आठ मेरी ये देखिए क्रीम आ गया और एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ नौ बार मुझे ये इस तरह से रेड रिपीट करना है ठीक है तो इतना बना लेते हैं पहले इसे तो अब देखिए मैंने ये इतना बना लिया है ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक आठ ठीक है तो टोटल देखिए मेरी यहां से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह बार जो है मैंने अपना ये स्किन से रिपीट कर लिया है तो हम दूसरे वाले सॉक्स भी देख लेते हैं ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और एक ये ग्यारह ठीक है अब देखिए हमने दोनों ग्यारह ग्यारह ये हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ तक अब यहाँ पर मेरी जो है इसके ऊपर रेड सिलाई नहीं आई है ठीक है ये रेड जो है उल्टी उल्टी सिलाई मैं यहाँ पूरी डालूंगी इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये सिलाई मेरी आनी चाहिए तो तो यहाँ से देखिए मैं अपनी उल्टी उल्टी सिलाई जो है ये कंप्लीट कर लेती हूँ और ये मेरी सीधी साइड है ठीक है अब इस धागे का कोई काम नहीं है तो इस धागे को मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ तो देखिए मैं इसको उल्टा ये वाली सिलाई भी अपनी सीधी साइड से पूरी उल्टी बनाते हुए जाऊँगी और इसे कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये सिलाई देखिए मेरी उल्टी उल्टी कंप्लीट हो गई है और यहाँ से सीधा लास्ट का स्टिच हमारा सीधा अब यहाँ से देखिए हम इसकी रॉन्ग साइड पर आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर पहले मैं अपना पंजा निकालूँगी इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ये देखिए ये मेरे उल्टा साइड है तो यहाँ पर मैंने देखिए ये हमारी सॉक्स जो है इस तरह से आएगी ठीक है जब सिलेगी तो इस तरह से आएगी ये यह देखिए यहाँ हमारा अंगूठा है तो यहाँ हमारा ये यह पंजा है तो ये तो मेरे राइट पैर की आ गई अब मुझे अपनी लेफ्ट पैर की बनानी है ये वाली ठीक है तो मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगी तो पहले मैं यहाँ पंजा निकालूंगी और उसके बाद उस साइड जो है अपना अंगूठा निकालूंगी ठीक है तो पंजे बनाने के लिए मुझे यहाँ पर देखिए मैं अपने थर्टी वन स्टिचेज लूँगी तो मैं यहाँ पर दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस और एक ये इकतीस ठीक है अब यहाँ देख लीजिए आपके दो चार छ आठ दस बारह चौदह और सोलह सोलह घर जो है ये मेरे अंगूठे के होंगे ठीक है तो अब इतना बनाने के बाद मुझे यहाँ से वापस जाना है यहाँ से ये यह देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये तेरह और एक ये चौदह चौदह घर मेरे इस लाइब पर हैं तो ये दो तो चार दो छ आठ दो दस ग्यारह बारह तेरह और एक ये चौदह अब ये हमारे तीन घर जो बीच के हैं इस पे हमने अपना घटाना शुरू करना है ठीक है एक एक घर हमने यहाँ पर हम कर, कम करते जाएंगे तो यहां पर भी हमारे चौदह हो गए और यहाँ पर भी चौदह हो गए और बीच में ये देखिए अब पहला स्टिच ये वाला इस तरह से उठाया और इसके पीछे से ये ऐसे ये देखिए ठीक है बीच का छोड़ना है हमने अगला उठाना है और उसके पिछले वाला उठाना है और इसको इस तरह से बुना अभी हमने छोड़ना नहीं है ये और ये जो आगे वाला है देखिए ये बीच वाला अब ये इस तरह से छोड़ दीजिए इन्हें इन दोनों को लेफ्ट सिलाई में लिया थोड़ा सा खींच लीजिए धागा अपना और अगला जो है इसके ऊपर से ऐसे ठीक है और ये ये देखिए ये बन गया अब यहां पर हमने अपने चौदह घर जो है ये बना लेने हैं तो हर सीधी सिलाई में मैं इसी तरह से बीच सेंटर में जो है एक एक घटाते हुए जाऊंगी तो पहले देखिए मैं इसे बना लेती हूँ और ये मुझे अब सीधा और उल्टा ही बनाना है ठीक है सीधी साइड सीधी बनानी है इस तरह से और उल्टी साइड मुझे उल्टी बनानी है तो देखिए इस तरह से हमारी ये बीच में एक लाइन आएगी यहाँ पे और यहाँ पर हमारा ये घटता रहेगा तो मुझे ये तब तक बनाना है जब तक मेरे यहाँ आठ स्टिच जो है वो नहीं बच जाते ठीक है आठ दोनी सोलह आठ इधर रहेंगे और आठ जो है उधर रहेंगे तो पहले तो देखिए मैंने इस तरह से बना लिया अब उसकी उल्टी स्लाई में पूरी उल्टी बन बनाऊँगी और जो मैं नेक्स्ट स्लाई पर आऊँगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो है वो बीच में कैसे घटाया था ठीक है एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ उसका तो देखिए इसकी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है अब आती हूँ मैं इसकी सीधी साइड पर पहला स्टिच हमने ऐसे उतारना है और अब ये हमारे ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अब देखिए अब हमने यहाँ पर तेरह स्टेज बनाने हैं अब यहां देखिए बीच में सेंटर में हमें दिख रहा है ये उभरा हुआ सा आया भाई ये देखिए ये देखिए ठीक है इसके इधर उधर एक घर रखना है और दोबारा से इसको ये देखिए ऐसे ढीला किया अगले वाला और ये जो तीसरा है पीछे वाला ये ये उठाया और धागा जो है इस तरह से डाला हमने इसे बना लिया एक फंदा हमारा बन गया अभी छोड़ना नहीं है हमने अब ये बीच का ये उठाना है ठीक है अब छोड़ना है ये वाला और ये देख ले अगला जो है ये इसके ऊपर से ऐसे ठीक है ये हमारा बन गया और धागे को खींच दिया तो यहाँ हमारा एक जो स्टिच है वो कम हो गया है तो अभी हमने तेरह बनाए थे उसके बाद फिर जब हम सीधे में आएंगे फिर हम बारह बनाएंगे उसके बाद हम ग्यारह बनाएंगे तो इस तरह हम बनाते हुए जाएंगे जब तक हमारे आठ स्टिच जो है एक साइड नहीं बच जाते ठीक है दोनों साइड जो है हमारे सोलह स्टिच रहेंगे ये देखिए इस तरह से तो मैं इसे बना लेती हूँ तो अब देखिए दो दो चार दो छः और दो आठ ठीक है ये एक हमारा बीच का स्टिच है तो दो, दो चार दो छः और दो आठ ये हमारे पूरे जो हैं सोलह स्टिच आ गए हैं ठीक है एक सत्रह बीच का अब देखिए मैं इसे बनाते हुए तो अब देखिए मैं इसे मैंने जो यहाँ पर घटाया था यहाँ पर अब इसकी सीधी सिलाई थी अब मैं इसकी उल्टी सिलाई पर आई हूँ तो उल्टी सिलाई हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ठीक है और एक ये वाला नौ ये नौ स्टिच लेने हैं उसके बाद देखिए इसको इस तरह से कर देना है हमने यहां पर अब ये घटा देना है इनको बंद कर देना है ठीक है तो अब देखिए हमने ये जो स्टिच था हमने बुना हुआ था इसको लाइट पे चढ़ा देना है ठीक है और ये बराबर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये बराबर घर बराबर, हमारे जो इसमें आ गए हैं अब पहले ये और इसके बाद ये ठीक है ये धागा उस साइड किया ये देखिए इन दोनों को एक बना लेना है इस तरह से और ये जो पिछला स्टिच है ये इसके ऊपर से ऐसे फिर दोबारा ये देखिए एक ये उठाया और इसके बाद दूसरा दूसरी सिलाई के ऊपर से इस तरह से बनाया ठीक है ये दो का एक कर दिया और ये जो पिछला स्टिच है इसको इसके ऊपर से ऐसे तो इस तरह से मुझे ये बंद करते हुए जाना है ठीक है अब ये लास्ट रह गया है तो ये देखिए ये ऐसे इस तरह से बंद हो गया धागा थोड़ा सा खींच लीजिए ये धागा खींचने के बाद इसे थोड़ा सा छोड़ के यहां से काट लीजिए ये हमारे सिलने का काम आ जाएगा और ये धागा इसके अंदर से इस तरह से इसे खींच लीजिए ये बंद हो गया ठीक है अब यहाँ देखिए ये यह देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पंजा बनके तैयार हो गया है तो देखिए फ्रेंड टोटल जो मेरा ये पंजा है वो अठारह स्लाइया इसमें बनके तैयार हुई हैं ठीक है थीके? एक सिलाई हमने पहले उल्टी बनाई थी और उसके बाद फिर जब हम अपने उल्टी सिलाई पर गए थे तो वहां पर फिर हमने इकतीस घर जो है वो उल्टे उल्टे बनाए थे ठीक है उससे जो हमारी नेक्स्ट सिलाई आई थी मतलब हमारी जो तीसरी सिलाई आई थी वहां से हमने दो दो घर जो है वो घटाने शुरू किए थे वहां से लेकर जहाँ तक हमने ये कटाया है वहां तक हमारी सोलह सिलाई आई है ठीक है फ्रेंड तो हमारा अठारह इस तरह से कम्प्लीट होता अब मैं इसका अंगूठा बनाऊंगी और अंगूठा भी मैं यहीं से शुरू करूंगी यहां से मैं दूसरा धागा इसमें लगाऊंगी अपना मेहरून वाला इस तरह से तो जितना मैंने अपना ये पंजा बनाया था उतनी ही सिलाई मैं अपने अंगूठे के लिए बनाऊंगी ठीक है तो अब देखिए मैंने अंगूठा भी है ये इतना बना लिया है तो मैं यहाँ पर अपनी सोलह सिलाइया इस तरह से गिन लूंगी ठीक है तो ये सोलह सिलाइया मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है तो इसके बाद आगे देखिए मुझे क्या करना है अब देखिए मेरी जो इससे अगली सिलाई है इसमें मैं यहाँ पर बंद करूंगी इसे तो ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से इसे बंद किया है अब ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से बंद किया है पहला स्टिच आपको नहीं भूलना है और इसके ऊपर से इस तरह से पिछला स्टिच उतार देना ठीक है फिर उससे पिछला ये देखिए इस तरह से एक एक स्टिच जो है वो अगले वाले स्टिच के ऊपर से उतारते रहना है हमें तो इस तरह से मैं इसको बंद करूँगी ये देखिए इस तरह से इस तरह से सफाई बहुत अच्छी आती है अब ये देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे अब मेरा लास्ट का एक स्टेज बचा है ठीक है अब आप देखिए क्या कीजिए ये देखिए इस तरह से ठीक है ये आपने एक स्टेज बुन लिया अब अपने धागे को ये देखिए इस तरह से और ये धागा जो है इसे थोड़ा सा यहाँ से ताकि हमारे सिलने के काम आ जाए ठीक है और एक टाइट इसे टाइट कर लीजिए और इसके अंदर से ये देखिए बिल्कुल बंद हो गया ना ये देखिए इस तरह से अब हम इसे सिलेंगे ठीक है तो अब हम इसे सिलेंगे तो सिलने के लिए देखिए सबसे पहले इसे ऐसे उल्टा करेंगे अब ये वाला जो धागा बचा है तो पहले मैं यहां से सिलते हुए आऊंगी इसे इस तरह से और ये सारा सिलूंगी तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैं इसे सिलूंगी एक यहां से उठाया धागा और एक इस साइड से ठीक है ये देखिए इधर से और इधर से अब देखिए जहां तक हमारा ये डेड धागा है वहां तक इसे इस तरह से सिल लेना है ठीक है और यहां पर एक नॉट लगा देनी है ऐसे अब देखिए जो ये वाला है इसको भी मैं इसी तरह से सिलते हुए जाऊंगी मेरे पास यहां धागा बचा है तो यहां इसे छोड़ दिया अब ये देखिए ये वाला जो धागा है उससे मैं इसको यहां तक सिलूंगी तो देखिए यहां से मैंने इस तरह से सिल दिया है ये अब मैं इसे सिलते हुए जाऊंगी ठीक है अपने कलर से कलर मिलाते हुए जाऊंगी तो अब देखिए मेरा जो ये क्रीम वाला है इसके साथ ये वाला फंदा और इससे अगला जो मेरा क्रीम है ये देखिए अच्छी तरह निकाल लेती हूँ मैं इसे तो इसके साथ देखिए क्रीम ये वाला इस तरह से मुझे सिलते हुए जाना है अपने लाइन से लाइन मिलाते हुए जाना है ताकि हमारे नीचे से भी इसकी फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी आ जाए अब यहां से सिलते हुए मैं जाऊँगी इसे ये यह देखिए यहां ये यह पूरा सिलूंगी और उसके बाद इसको यहां से सिलूंगे ठीक है तो देखिए ये सिलकर इस तरह से ये देखिए इस तरह से तैयार हो गई है ठीक है जब आप इसको पहनेंगे तो ये चोंच जो आपको भी दिख रही है ये इसमें बैठ जाती है ठीक है ये एडजस्ट हो जाती है जब आप इसको पहनना शुरू करते हैं तो ये देखिए इस तरह से तो देखिए फ्रेंड और अगर आप सॉक्स का डिज़ाइन देखना चाहते हैं लेडीज सॉक्स का तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे डिज़ाइन डाले हुए हैं तो मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन लगा दूंगी आप वहाँ से जाकर सारे डिजाइन मेरे देख सकते हैं बहुत इजी डिज़ाइन है बिगनर्स भी बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी ज़रूर देखिएगा तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय